हेलो दोस्तों, इसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आपकी मशीन फिरती नहीं है, टाइट हो गई है तो क्या करना चाहिए। ये दो स्क्रू निकाल देना चाहिए, ये खोल देना चाहिए और इधर का एक खोल देना चाहिए। खोल के स्विंग को ऊपर करना चाहिए, ऊपर करके बॉबिन के इसको निकालना चाहिए और इसको निकालना चाहिए। सर जो भी खराबी है को निकाल देना चाहिए। सर ऐसा कचरा रहना नहीं चाहिए, कचरा रहा तो अंदर फंस जाता है और नई मशीन है तो भी अंदर तागा फंसता है, टाइट हो जाता है मशीन। इसको टोटली क्लीन कर लेना चाहिए, क्लीन करके इसको बिठाना चाहिए। ये जैसे अंदर फिरता है ऐसा इसको फिरने प्लेस होना पड़ता है। अंदर कचरा हो या बैठ गया, तागा हो, कुछ भी बैठ गया है तो मशीन फिरता नहीं है। इसके अंदर मूवमेंट होता है, पूरा क्लीन रखना चाहिए। क्लीन लगे तो टाइट नहीं होता है, थोड़ा सा तागा फंसा तो भी टाइट हो जाता है मशीन। इसको ओपन करना है, नट को निकाल के ये वाला हिस्से को पूर्ति क्लीन करना चाहिए। सब पूरा क्लीन करके फिट कर देना है। ये वाला भी क्लीन कर लेना चाहिए सर। और देखिए दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो ये वाला है ना, ये वाला अंदर ऐसा फिक्स करना, ऐसा फिक्स करना नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा फिक्स करना चाहिए। ये वाले को भी क्लीन करके इसके ऊपर बिठाना चाहिए। ये वाला नट रहता है इसका, इसको ऐसा टाइट करना चाहिए। और ये वाला बात तो उसको अंदर से क्लीन करना, अंदर कचरा है वो सारा, इसको ऐसा पूरा निकाल के क्लीन करके इसे ऐसा ऐसे डालना चाहिए, इसी तरीके से अंदर डालना चाहिए, ऐसा मूवमेंट होना, अंदर फुल्ली फ्री चलना चाहिए, थोड़ा भी टाइट नहीं रहना इसके अंदर। थोड़ा भी टाइट रहा तो मशीन आपका टाइट चलेगा, टोटली फ्री चलना चाहिए। उसके बाद और इसको ऐसा सुई नीचे नहीं रहना चाहिए फिट करते वक्त, इसको ऐसा ऊपर रहना चाहिए, सुई ऊपर रहना चाहिए, ऐसा सुई ऊपर रहना और उसका ये जो कैरियर है ना ये साइड में रहना। इसको ऐसा लगाना चाहिए, अंदर लगा के इसको
नीचे ऊपर ऐसा ऐसा घुमाना, थोड़ा देखना होल है, होल को होल है नहीं देख लेना चाहिए। उसके बाद इसका जो दो नट है बड़े वाले, इनको फिट कर देना चाहिए ऐसा। टोटली फुल टाइट करके छोड़ना चाहिए। अब देखिए आपकी मशीन फ्री हो गई, फुल टाइट था मशीन, अभी फुल बिल्कुल फ्री हो गया है मशीन।